नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। में हूं आपके साथ महेजे। नीमच के सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सावन गांव में 28 वर्षीय विवाहित महिला की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद में पियर पक्ष राजस्थान के हारजी पिपलिया राजस्थान प्रतापगढ़ जिले के जो रहवासी है, पियर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर महिला की हत्या के आरोप लगाए, जिसके बाद जिला अस्पताल शव का पीएम करवाने के लिए पियर पक्ष के लोग पहुंचे। वहीं सिटी पुलिस भी मामले की जानकारी मिलते ही जिला अस्पताल पहुंची। पियर पक्ष के लोगों के आरोप हैं कि महिला के साथ पति जो हैं कृष्णा आए दिन मारपीट करता था, पहले भी मारपीट करेगी, जिसको लेकर थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। वहीं पियर पक्ष का आरोप है कि पति कृष्णा ने उनकी जो बेटी हेमलता उसकी मौत के बाद में उन्हें सूचना नहीं दी गई, और जिसके चलते पियर पक्ष ने आरोप लगाए हैं कि बेटी की हत्या करके आए दिन परेशान और प्रताड़ित किया जाता था। पूरे मामले में पियर पक्ष के लोगों ने न्याय की मांग करी है और कहा है कि जो इन लोग जो भी दोषी लोग हैं बेटी की हत्या के मामले में, उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। गाँव मेरा हाड़जी का पिपलिया राजस्थान का है, और बच्ची मेरी भतीजी लगती है, और उसका ससुराल सावन में है, उसका पति का नाम कृष्णा है, और इन लोगों ने उसको मार के और कहीं दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया, और जहाँ पे उसकी डेड बॉडी थी वो घर भी चेंज कर दिया इन लोगों ने, और हमको ना सूचना दी इन लोगों ने, बोला किसी दूसरे व्यक्ति ने हमको सूचना दी, और उन लोगों ने बताया कि वो लड़की क्या नाम है कृष्णा के, कृष्णा की मिसेज का कुछ गड़बड़ चल रही है, देखे जो वो डेट हो गई उसकी। तो हम वहाँ से राजस्थान से यहाँ नीमच आए, और नीमच से फिर हम वहाँ गए, तो हमारे से पहले ही उन्होंने सारा कार्यक्रम निपटा दिया, और उन लोगों ने दाह की अंतिम संस्कार की तैयारियाँ कर ली। तो हम न्यायालय से ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची की जाँच हो और पोस्टमार्टम हो, और जो भी अपराधी है इसमें उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपकी बच्ची का क्या नाम था और क्या पहले भी विवाद होता था, क्या इससे पहले भी हुआ है? दो बार हुए उसके नाम से, कृष्णा के नाम से हमने रिपोर्ट डाल रखी है, रटाजना थाने में डाल रखी है, और सिटी कोतवाली में भी है, नीमच में भी है। बच्ची का क्या नाम था आपके? हेमलता। क्या चाहते हैं आपको, क्या लगता है? तो हम यही चाहते हैं कि बच्ची को न्याय मिले, और जो भी अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अभी बात हुई प्रशासन से, क्या कह रहे हैं प्रशासन? तो अभी बोल रहा है कि जब तक PM नहीं होगा वहाँ तक कुछ रिपोर्ट का कोई पता नहीं चलेगा। वहीं अगर बात करें तो ससुराल पक्ष की तरफ से हेमलता के जो पति हैं कृष्णा बावरी ने कहा है कि पूरे मामले में हत्या के आरोप झूठे हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। पुराने विवाद को लेकर उनका हालांकि कहना है कि पहले विवाद हुआ था किन्हीं कारणों के चलते, नहीं वर्तमान में कोई विवाद नहीं था। अचानक ही महिला की तबीयत बिगड़ी, BP हाई हुआ, चोरी अस्पताल ले जाया गया जहाँ महिला की मौत हो गई। सर मेरी पत्नी थी हेमलता, और कोई आरोप में तो मेरी पत्नी थी क्या, मेरी पत्नी के साथ में मैं ऐसी दुर्घटना नहीं कर सकता। मैं कुएं पे गया था सर, घर पे आकर देखा मैंने तो दरवाज़ा भी खुला था और वो पड़ी थी पलंग के ऊपर। उसको लेकर मैं नीमच आया, चोड़िया हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर साहब ने बोला घर ले जाओ। फिर अस्पताल उनका कहना है उनको जानकारी नहीं दी, डायरेक्ट अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। नहीं सर, इनके लिए हम घर पे रख कर बैठे थे, कब के ये आए तो हम ये करें, मगर इन्होंने यहाँ पे ये करवाया तो पोस्टमार्टम कोई बात नहीं। आपने सूचना दी थी इनको? आप इनके बहुत फोन लगाए सर, मेरे पास तो फोन नहीं था, मेरे बच्चे पे था फोन मेरा, अभी भी उसके पास है, मेरे भाई और पड़ोसियों ने लगाया फोन उनको। मैं तो घबरा रहा था, मैं तो उसको लेकर यहाँ पे आया था। माँ का आरोप है आपकी पत्नी की माँ का, तो आप पहले भी मारपीट करते थे, थाने में भी मामले पहले भी उन्होंने करे थे, आपका विवाद पहले भी होता था? नहीं सर, वो तो एक वो ये हुआ था, वो फोन पे बात करते हुए किसी से हाथ आ गई थी मेरे, इसलिए हम दोनों में झगड़ा हुआ था। वो उसकी मायके चली गई थी, वापस मैं ले आया था इसको समझा के। आज क्या घटना हुई, कैसे मौत हुई? आज का मेरे को कुछ भी पता नहीं है सर, मैं कुएं पे गया था। हालांकि पूरे मामले में अब देखना ये होगा कि सिटी पुलिस मौके पर पहुंची है, सिटी पुलिस परिवारजनों के बयान ले रही है, पियर पक्ष और ससुराल पक्ष के बयान लिए जा रहे हैं, पैनल के साथ में PM भी करवाए जा रहे हैं। अब देखना होगा महिला की मौत के मामले में सिटी पुलिस की जाँच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है।